इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले के अंदर आयकर विभाग का छापा यदा कदा ही पड़ता है, या तो आयकर विभाग के पास काम की अधिकता है या सतना के आयकर चुराने वालों के ऊपर उनकी नज़र नहीं है। आयकर विभाग ने सतना जिले के अंदर कुछ चुनिंदा लोगों के यहाँ छापा मारा है, लेकिन शहर में ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें लोग बहुत हल्का आंकते होंगे, लेकिन यदि उनके काउंटर पर एक दिन खड़े होकर देखिए तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस शहर में लोटन मुंगौड़ी वाला, झल्ला समोसा वाला, श्रीनाथ पाव भाजी वाले, कारगिल ढाबा वाले या तो इनकम टैक्स भरते नहीं होंगे, यदि भरते भी होंगे तो इतना सामान्य इनकम टैक्स भरते होंगे जिसे ऊंट के मुंह में जीरा कह सकते हैं। लेकिन यदि आयकर विभाग इनकी कमाई और इनकी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाए तो ये आयकर विभाग के राडार में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, सतना शहर के अंदर कई ऐसे नर्सिंग होम हैं जो मरीज को कभी बिल ही नहीं देते, जिसमें प्रेम नर्सिंग होम का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। जमीन कारोबारी के रूप में दीपक चंदानी एक बड़ा नाम है। यदि आयकर विभाग इनके भी आय व्यय का ब्यौरा खंगाले तो यहाँ से भी काफ़ी कुछ ऊंच नीच मिल सकता है। नर्सिंग होम के मामले में इस समय सबसे चर्चित नाम शारदा हॉस्पिटल, उसके बाद सार्थक हॉस्पिटल का नाम आता है। कायदे से आयकर विभाग को इन्हें भी अपने राडार में लेना चाहिए। सतना शहर के अंदर कई ज्वेलर्स हैं जो बहुत कुछ काला पीला नीला करते हैं, उनमें से मामा भांजा ज्वेलर्स का बड़ा कारोबार है। यदि इस कारोबारी के भी आय व्यय का ब्यौरा निकाला जाए तो इतना तो मामला बन ही जाएगा कि अखबार में सुर्खियां बन जाएंगी। इसके अलावा न्यू गौरी ज्वेलर्स को भी जांच के दायरे में लेना चाहिए। इसके अलावा सतना शहर के अंदर कई महाविद्यालय हैं जिनमें आय अधिक होती है लेकिन दिखाया कम जाता है। सतना जिले के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिनके पास रिश्वत की बड़ी रकम आती है और वे बेनामी संपत्तियां खरीदते हैं। सतना शहर के अंदर कई हुंडी दलाल भी हैं जो एक साल के अंदर कई अरबों का वारा न्यारा कर देते हैं। अगर सतना शहर के अंदर नंबर दो की पूंजी पकड़नी है तो सबसे पहले हुंडी दलालों के यहाँ छापा डालना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम रामू दलाल का है। रामू दलाल के अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो हुंडी का कारोबार करते हैं। इन हुंडी दलालों के यहाँ नोट गिनने की मशीन लगी है, किसी भी समय छापा मार दिया जाए तो करोड़ों रुपए तो घर में ही बरामद हो जाएंगे। इस शहर के अंदर किसी ज़माने में राम सिया कुशवाहा शटरिंग का काम किया करते थे, लेकिन बीते 20 वर्षों में जिस तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, शायद सतना में बहुत कम लोग होंगे, लेकिन आयकर विभाग राम सिया जैसे लोगों के यहाँ छापा डालना क्यों उचित नहीं समझता, समझ से परे है। सतना शहर के अंदर कई ऑटो डीलर भी हैं जो काफ़ी कुछ काला पीला नीला करते हैं, एक नज़र इधर भी घुमाने की ज़रूरत है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।